मवेशियों के झुंड ही संपन्नता की पहचान थे। और हमारे यहां तो कहा भी जाता था, हर कोई इसे पशुधन कहता है। किसके दरवाजे पर कितने खूंटे हैं इसको लेकर स्पर्धा रहती थी। हमारे शास्त्रों में भी कामना की गई है, गांवों में सर्वतः चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। ये सेक्टर हमारे यहां रोजगार का भी हमेशा से बहुत बड़ा माध्यम रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में मिला नहीं। अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा बीज मिले इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुफ्त टीकाकरण नहीं कर रही, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। साथियों, देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भाइयों और बहनों, मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी हैं। पहला ये कि पशुपालन देश के छोटे किसान, जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये
कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते वो बोझ नहीं होते बल्कि वो भी हर दिन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। बनास काशी संकुल की इसकी वजह से आसपास के अनेक गांवों में दूध समितियां बनेगी, कलेक्शन सेंटर बनेंगे और दूध के खराब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, यहां अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए किसानों को मदद मिलेगी।